अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ट्राउज़र के बॉटम पे ये पिंडक्स बहुत ही आसान एंड सिंपल मेथड से बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पेज पे, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स भी शेयर की थी कि प्रॉपर मेजरमेंट ले के बताएँ कि किस तरीके से हम इसको बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के भी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्राउज़र को आपने पैंट ट्राउज़र को इस तरीके से आपने स्टिच कर लेना है। अभी बॉटम का पार्ट मैंने नहीं किया है स्टिच, इस तरीके से इसको रेडी कर लिया है। अगर आपने इसकी स्टिचिंग एंड कटिंग की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो दो बहुत ही आसान मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आपने लेंथ की मेजरमेंट कर लेनी है, जितनी भी आपको लेंथ रखनी हो ट्राउज़र की तो उससे एक इंच ज़्यादा ले लेना है। मुझे 38 रखनी है तो मैंने 39 इंच ले लिया है, क्योंकि पिंडक्स में थोड़ा सा जो ट्राउज़र है वो हमारा छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग एक इंच ज़्यादा लेते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं आता है पिंडक्स में और इसलिए हम लोग सिर्फ एक इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं ट्राउज़र की लेंथ को। इसी तरीके से इक्वल करके दूसरे पांचे पे भी लेंथ का निशान लगा लिया है मैंने। और अब ये जो दरमियान वाली सिलाई है इसको इस तरीके से खोल के आयरन से सेट करेंगे। पिंडक्स लगाने से पहले मेरा जो आसान तरीका है उसके मुताबिक जो पिंडक्स लगाने से पहले आप नीचे बॉटम का जो पार्ट है उसको फोल्ड कर लिया करें। जितना भी आपने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखा होता है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुरपाई कर ली है और उसके बाद हम इसकी पिंडक्स की मेजरमेंट लगाएंगे। यहाँ पे देखें, बिल्कुल बॉटम से मैं 2 इंच के डिस्टेंस पर इस तरीके से निशान लगाऊँगी और इस तरीके से इक्वल निशान लगाने हैं 2-2 इंच के आपने, ताकि इक्वली ये लग जाए, इक्वली बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आए। उसके साथ ही 1 और इंच का निशान लगा रही हूँ मैं। तो ये मैंने 3-3 पिंडक्स बनाऊंगी मैं, 3 पिंडक्स की सिलाइयाँ नीचे और 3 ऊपर की तरफ होंगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले 1 इंच के डिस्टेंस पे एक और ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे नीचे से 2 इंच के डिस्टेंस पे ली थी और बाकी जो दो लाइनें यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हैं वो 1-1 इंच के डिस्टेंस पे की हैं। अगर आप 1/2 इंच के डिस्टेंस पे लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 इंच के डिस्टेंस पे अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, 1.5 इंच का बीच में डिफरेंस दे रही हूँ मैं। अगर आप इन दोनों जो 3-3 पिंडक्स मैं लगा रही हूँ, अगर आप इसके बीच में ये 1.5 इंच का नहीं 2 इंच का देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने मज़ीद जो 3 हमने लाइन ड्रॉ करनी है वो भी हमने 1-1 इंच के डिस्टेंस पे ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए, दरमियान में मैंने 1.5 इंच का रखा है और उसके बाद फिर 1-1 इंच के डिस्टेंस पर ये पिंडक्स की लाइन लगाई हैं। पिंडक्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे आप प्रॉपर मेजरमेंट लेके लाइन ड्रॉ करके उसके बाद सिलाइयाँ लगाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट आएंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर लाइंस लगा ली हैं मैंने। उसके बाद इन्हीं लाइंस को इस तरीके से पकड़ना है आपने और फोल्ड करना है और बिल्कुल बारीक बारीक सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो यहाँ एक सिलाई मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से सेम आपने बाकी सिलाइयाँ भी लगानी है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बहुत बारीकी के साथ आपको बता रही हूँ कि इतनी आपने सिलाई में कपड़ा देना है, ना इससे कम लेना है ना इससे ज़्यादा लेना है, बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा दे देंगे तो वो पिंडक्स अच्छी नहीं लगेंगी, इतनी ही बारीक सिलाई लगानी है आपने सारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आएगी इसकी शेप लगने के बाद। इसी तरीके से सारी सिलाइयाँ आपने लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए, सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं और उसके बाद हमने जब इसको आयरन करना है तो इन पिंडक्स का जो रुख है उसको बॉटम की तरफ इस तरीके से करते हुए फिर इसको आयरन करना है। ऐसा ना हो कि कुछ पिंडक्स ऊपर की तरफ रुख हो, कुछ नीचे की तरफ हो, तो प्रॉपर आपने आयरन के साथ उसका रुख नीचे की तरफ रखना है। और यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और ये देखें, जब हमने लाइंस बिल्कुल प्रॉपर ड्रॉ की थी तो उसी हिसाब से इस तरीके से अब इसको डबल करके ये वाली सिलाई लगा के मैं इसको दिखाऊंगी प्रॉपर आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये पिंडक्स कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और मैंने ट्राई किया है कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वाला मैथड आपको बताऊँ और होपफुली कि ये आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।